तो दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स को लेकर सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो है लिटन दास की जगह एक नए प्लेयर को साइन कर लिया है। लिटन दास जो है अपने देश वापस चले गए थे और उनकी जगह जो है केकेआर ने एक वेस्ट इंडीज के खतरनाक पावर हिटर को अपनी टीम में लिया है। कौन से है वो पावर हिटर सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की ब्रेकिंग न्यूज जो है इस चैनल पर आती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ, अगर आप फैंटेसी टीम लगाते हैं तो हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे को लाइनअप अनाउंस हो जाने के बाद हर दिन जो है टीम मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो जो केकेआर ने साइन किए हुए प्लेयर है उनका नाम है जॉनसन चार्ल्स। अब जिन लोगों को जॉनसन चार्ल्स मालूम नहीं है उन लोगों को बता दूं, ये वेस्ट इंडीज के खतरनाक पावर हिटर है और फॉर्म में भी चल रहे हैं। अभी जो साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज की सीरीज हुई वहां पर इन्होंने मात्र कम से कम गेंदों में शतक लगाया और बहुत ही बढ़िया तरीके से शतक लगाया और इनकी वजह से ही वो टीम 200 के पार चली गई थी। शायद 250 रन बना दिए थे वेस्ट इंडीज़ ने T20 में बतौर इनके बल्लेबाजी से, इन्होंने 125 या कितने तो रन बनाए थे। तो ये फॉर्म में भी चल रहे और ये लंबे लंबे छक्के लगाना जानते हैं। काफ़ी पुराने प्लेयर हैं लेकिन अब भी वेस्ट इंडीज़ में खेलते हैं, बहुत बढ़िया पावर हिटर हैं। तो केकेआर ने जो है लिटन दास की जगह इनको साइन किया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लिटन दास जो थे उनकी तो जगह बनी नहीं पा रही थी केकेआर में, और अब जॉनसन चार्ल्स भी कहाँ से आएंगे, क्योंकि जेसन रॉ है, आंद्रे रसल है, सुनील नारायण है, साथ ही साथ रहमतुल्ला गुरबाज है जो कि पिछले मैच में काफ़ी बढ़िया करके आ रहे हैं, तो इनकी जगह कैसे बनेगी अब मैनेजमेंट करनी पड़ेगी केकेआर को। लेकिन पावर हिटर बहुत बढ़िया है, इनको पिचेस वगैरह का कुछ नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक खेलते हैं, इनकी जो पावर हिटिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। सिर्फ अब केकेआर को ये सोचना है कि किस जगह इनको खिलाना है और किस तरीके से इनको खिलाना है। मुझे तो जॉनसन चार्ल्स की बैटिंग भी देखी हुई मैंने और इन मुझे पसंद भी आते हैं, क्योंकि बहुत ही बढ़िया हिट्स लगाते हैं ये, लंबे लंबे छक्के और शानदार टाइमिंग वाले चौके भी ये लगाते। तो दोस्तों यही वो ब्रेकिंग न्यूज़ थी, यही वो प्लेयर थे जो कि केकेआर ने अभी के लिए साइन कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।